ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପେଟ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂରନ ପେଟ ସଫା ତ ସବୁ ରୋଗ ବାହାର। नमस्कार दिनर प्रथम खबर सह आपको स्वागत करुच्छी मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आगू नवा कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस। आज उत्तर प्रदेश फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी विशाल रैली जनसाधारण को करे संबोधन बीजेपी कर्मी को देवे विजय मंत्र फेब्रुआरी 23 रे चतुर्थ पर्याय वोटिंग। सरला प्रचार द्वितीय पर्याय मतदान पर सरला शेष हो प्रचार 18 तारीख में 30 जिलार 68 ब्लक निर्वाचन सामिल हे 62 लक्ष अधिक भोटर। नोट निय भोट दि भोट पूर्व टंका बंटा गंजाम चिकिटी ब्लक लालमेंटा पंचायत आसला अभोग टंका विड़ाधारी निर्दिष्ट चिन्ह भोट देवाक कहते निर्दिष्ट गोष्ठी। राजधानी में डाक्तर घर जबत है नगद 1,12,00,000 टंका स्त्री और प्रसूति विभाग डाक्तर घर नगद टंका जबत कला विजिलेंस प्रसूति 8,000 लांच ने बेले धरी विजिलेंस एते परिमाण नगद टंका जबत विजिलेंस इतिहास रे प्रथम। उन्नीस सप्ताह जाए वर्षा आशंका विभिन्न स्थान में बुंदा वर्षा अनुमान 23 तारीख राति बढ़ वर्षार परिमाण एपटे राज्य में बढ़ुची सर्वनिम्न तापमात्रा। चर्चा रे ट्विटर नुआ ट्रेंड सोनम गुप्ता पर एवं राशि हेले बेवाफा 20 टंकिया नोट होउची वायरल सोशल मीडिया रे फनी मेमेर बन्या बेवाफा ट्रेंड उपरे यूजर्स का जबरदस्त रिएक्शन। आज ओडिशा गोवा रणजी मुकाबला मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे मैच बैटन को सुहाई पारे बैट्समैन को सुहाई पारे पिच पदार्पण कर पारती अंशुमान रथ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्वाचन प्रचार को सरगरम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सीतापुर में विशाल राली करा बेले आज फतेहपुर जिलार एक राली को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। एफसीआई ग्राउंड में आयोजित होगा राली रे फतेहपुर जहानाबाद बिंदकी आयाहासा हुसेगंज खागा टिंडवारी बाबरू नारायण एवं वृंदा सदर बीजेपी कर्मी माने राली रे सामिल हेबे। प्रधानमंत्री समावेश पई दल पक्ष समस्त प्रस्तुति शेष होई कोविड गाइडलाइन अनुजाई कार्यक्रम व्यवस्था करा जाय छी। अनेबटे एलईडी स्क्रीन सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री मोदी संबोधन प्रसारण हेबा फेब्रुआरी 23 रे चतुर्थ पर्याय मतदान 2 जिला सीतापुर और फतेहपुर रे अनुष्ठित हेबा। सेपटे राज्य में शेष हो प्रथम पर्याय पंचायत भोट द्वितीय पर्याय मतदान पर आज सरी गत काली सरी सारी प्रचार 18 तारीख अनुष्ठित हो द्वितीय पर्याय भोट नहीं राज्य निर्वाचन कमिशन का पक्षर प्रस्तुति सरी निर्वाचन होगा थोड़ा जिला को पोलिंग अफिसर मैंने पहुंची सारी द्वितीय पर्यायर 30 जिलार 68 ब्लक अनुष्ठित हो मतदान ए पर्यायर 186 जिला परिषद आसन पर मतदान हेबो। एथिरे 1514 पंचायतर 20,436 बूथ रे भोट ग्रहण हेबो जेउथिरे 62,10,938 जन भोटर सामिल हेबे बोली राज्य निर्वाचन कमिशन के पक्षरु सूचना दिया जायछि। भोट पूर्वर टंका बंटा घटना देखा मिली गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक लालमेंटा पंचायत रे टंका बिड़ाधारी निर्दिष्ट चिन्ह रे भोट देवाक कहते निर्दिष्ट गोष्ठी घर घर बुले टंका बिड़ा बांटुचंती बेकरे फुलमाल पकाई टंका बांटिबा सह आउ कौन दरकार बोली पचारुचंती ए वीडियो एबे वायरल हेबारे लागिछि। आम
डाक्तर घर नगद एक कोटी बार लक्ष टा जबत स्त्री और प्रसूति विभाग डाक्तर घर एक कोटी बार लक्ष टा जबत हो चढ़ऊ बेले नगद टंका जबत करिछि विजिलेंस भुवनेश्वर पटिया घरे चढ़ऊ करी टंका जबत करिछि विजिलेंस नगद टंका जबत नहीं विजिलेंस इतिहास रे यहा एते परिमाण टंका जबत हवा ये प्रथम घटना 8000 टंका लांच नेउथुवा बेले धरिथिला विजिलेंस टीम पूरी गोप चारिछक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर सुकांत जेना को धरिथिला विजिलेंस टीम टंका लांच नौथवा समय ऑपरेशन पाई प्रसूति संपर्कों ठारु लांच नौथवा बेले फसी थिले डाक्टर सुकांत जेना परवर्ती खबर को जीवा जोरंदा मेला जमिला भिड़ ढेंकानाळर प्रसिद्ध महिमा गादी 149तम माघ मेला चलचंचल हो उठी कटकणा भितर मेला आयोजन होई अखंड ध्वनि और झाड़ देखापी राज्यर विभिन्न स्थानरु भक्त माने पहुंची एठारे चलचंचल महिमा पीठ ढेंकानाल प्रसिद्ध महिमा गादी रे चली विश्व प्रसिद्ध जोरंदा मेला अखंड ध्वनि और झाड़ प्रज्वलन कर शयचासतम माघ मेला रे साधु संत माने एकाठी होती मेला तीन दिन धरी चलो प्रतिवर्ष भली माघ मास शुक्लपक्ष चतुर्दशी दिन ठारु आरंभ होई मेला कोविड संक्रमण आशंकरे जिला प्रशासन पक्षर कटकणा जारी करथिले मध्ये भक्त और श्रद्धालु संख्या बढ़िबारे लगी महाप्रभु लीला काल तो आमको समस्त ग्रास करोड कटकणा जोगे जो हिसाब से महिमा धर्मर महिमा मेला हवा कथा से हिसाब से किसी हो पारना तेणु भक्त मैंने समस्त मन अशांति समस्ते दुख भाव आसिक पहुँचती किए आसी पहुँच किए आसी पहुँच ये हुए बहुत लोक आस लक्ष लक्ष लोक आउ ये जो कोरोना लगे एथरक मानते बहुत कम लोक यात्रा भी हुए माघ पूर्णिमा कुंभ जात्रा गोटे हुए आनी तो एथर फास्ट आम आसीचु आम पुअर चुट्टी पड़ियार मानसिक थिला परंपरा मुताबक राज्यर विभिन्न प्रांतर महिमा साधु मानकर पीठ को आगमन घटी महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता स्वामी महिमा गोसाई ध्वनिस्थान माघ शुक्लपक्ष अवसर चलित बर्ष 149तम प्रभु पूर्णिमा उत्सव को पालन करुछंती महिमा साधु झाड़ देखिबापाई भक्त माने भी एठारे पहुंचिछंती भक्त माने बेस आनंदर सह निराकार शून्य प्रभु को दर्शन करिछंती गृह दिहाई प्रभु को प्रार्थना करा कराए प्रभु अखिल ब्रह्मांडर मंगल करतु एमती धुनी भी गृह दिया मानने बहुत गुट बती लगी सी गोटे शोभनिया सहित बहुत समय बतीटा जलिक रहा कंटिन्यू तेणुकर प्रभु पाखे झाड़ बती लग जाए तेणुक प्रभु विश्व ब्रह्मांड समस्त मंगल करतु बोली प्रार्थना करती कराए झाड़े प्रत्येक वर्ष आसूसी महिमा चतुर्दशी मेला को आउ ये बहुत साधु संत मानकर गमागम अच्छे आई हूँ प्रकृत रे विश्वर सनातन धर्म जोटा कि महिमा धर्म ये धर्म को छाड़िले अन्य धर्म एत उच्चकोटी नुहति आठ साधु संत मैंने बहुत आसंति भक्त भी आसंति गादी मध्य अंतवासी कोविड टेस्ट कर चलित बर्ष ना सांस्कृतिक कार्यक्रम ना उठा दोकानी गहली लगुच ढेंकानाल विप्लव रावल रिपोर्ट अर्गस न्यूज रंदा 19 तारीख रु राज्य में पाग बदल राज्य में उत्तरा पवन बदल बंगोपसागर पवन बह फल 19 तारीख रु सप्ताह जाए वर्षा लग रोड़े 21-22 हालुका वर्षा हो पाए 23 रु वर्षार परिमाण बढ़ 25 तारीख जाए विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष अनुमान
19 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 13-14 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନୂଆ ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗେମ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଗେମ୍ରେ ଭାରତ କିଭଳି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଆଣିବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗେମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଖେଳରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପଦକ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗେମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଏହି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରେକ୍ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆଡ୍ ପାଇଁ ଭାରତରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ତାର ନୂଆ ନାଁ ହେଉଛି, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ହିପ୍ହପ୍। ହିପ୍ହପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ନୂଆ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରେକିଂ ବା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ, ତ ସେଇଟା 1960s ଆଉ 70s ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେରିକାନ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେରିକାର କୃଷ୍ଣ କାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2018 ଯୁବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2019 IOC ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇକି ମାନେ କ୍ରାଉଡ୍ ଆପିଲ୍ କଲା, କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲିଂ କଲା, ଏଇଟା ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଲା। ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଗେମ୍ଟାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଏଇଟା ସାମିଲ ହେଇଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ଯାଏଁ 1000 ଅଧିକ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପଦକ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯବାନୀ ଜାନେ ମନ ଠାରୁ ତମା ତମା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଡିସ୍କୋ ହିଟ୍ସ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୱାଲା କରିଥିବା ବପି ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମଗ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ITBP ଜଣେ ଯବାନ ବପି ଦାଙ୍କର ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲିଉଡକୁ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସୁର ସାମଗ୍ରୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଡିସ୍କୋ କିଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ବାପି ଲାହିରି। 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାପିଦା। ବାପିଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପୁରା ଦେଶ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ITBP କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାପିଦାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ଦିଲ୍ ମେ ହୋ ତୁମ୍ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ପୂଜା
सजदा करूं जैसे कहो वैसे तेबे सूचना अनुजाई असुस्थता हेतु गत किछि मास धरी हॉस्पिटल भर्ती होइतले पापी लहरी गत सोमवार घर को फेरीथिले किंतु मंगलवार तांको स्वास्थ्यावस्था बिगड़ीबारु तांको पुणी थरे हॉस्पिटल भर्ती करा जाइतिला हेले गतकाली विलंबित रात्रि तांकर मृत्यु होइतिला। 80 ओ 90 दशक रे बॉलीवुड रे राज करथिले बापिता। सुपरहिट फिल्म चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी, नमक हलाल भली फिल्म रे म्यूजिक दे बेस लोकप्रियता साउंटिथिले बापिता। शेष थर पर बिग बॉस 15 रे सलमान खान को सहित तांकु देखिबा को पाइथले दर्शक। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुचे गंजाम रोही गाँव में राजनैतिक हिंसा हत्या धमक देवासह ग्यारेज रे निया लगाई देथिबा अभियोग होईछि। निया लगाई दुर्वृत्त फरार हो जाइछंती। लक्षाधिक टंकार आसबाबपत्र पड़ी पाउस हो जाइछि। घटनास्थल रे पुलिस और दमकल बाहिनी रो चारिटी गाड़ी पहुंची न्याय को आयत्त करिसंती। गतकाल सरी प्रथम पर्याय भोट एवं तापर ए राजनैतिक हिंसा देखा मिली गंजाम रोही गाँव में। अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि पीतांबर नायक। पीतांबर, ये घटना ये कौटिकार एवं एथिरे को मानकर संपृक्ति रही? देखो पूर्व वर्ष मानक रोही गाँव में विशेष करके राजनैतिक हिंसा देखा मिलता है, किंतु चलित वर्ष राजनैतिक हिंसा सेमती किसी वातावरण सृष्टि हो नाला। किंतु गत काली जेहेतु पंचायत निर्वाचन प्रथम स्तर भोट केन्द्र में मतदाता मैंने मत सब्यस्त करत काली प्रथम पर्यायर भोट दान सरी संध्या सुधा पुलिस कर्मचारी एवं पोलिंग अफिसर से गाँव रु आसी कि संध्या परे परे एबा राति प्राय 11टा समय रे किछि दुर्बृत्त आसीथिले हत्यार धमक मध्य देथिले एवं धमक दबा परे परे जेमुळि हबरे किछि समय परे ग्यारेज रे मध्य निया लगाई देथिबा जहां सूचना मिलुछि एवं निया लगाई कि से दुर्बृत्त माने फेरार अछन्ति। लाखाधिक टंकार आसबाबपत्र पुडी पाउंस होइ आइछि। घटनास्थल को पुलिस टीम पहुंचीला जो भाव से माने पुलिस को जनाईले दमकल चारोटी गाड़ी नियम आयत्त करथिला। विशेष करी जिते बड़े मतदाता मैंने मत सब्यस्त करोट दे गोटे गोष्ठी को अन्य जने साहय कर घटना पचरे को हाथ अच्छी किसी जना पड़ा ये ग्यारेज कह देखो ग्यारेज जड़े व्यक्ति से व्यक्ति नाम होगी भाव रवींद्र जेना बोली आम पाखे जहाँ सूचना रही जमती जेहेतु सेठारे सरपंच प्रार्थी एकाधिक जन नोमेसन फाइल करते अंपटे समी सभ्य अनुरूप भावे तो या कि हुए तो गोटे गोटे गोष्ठी हुए तो दुर्बृत हो पारती बोले गोटे अनुमान करा जाए। ओके धन्यवाद पीतांबर सूचना पाई। पीतांबर नाहक आम प्रतिनिधि जो भाई सूचना दूसरे कि मतदान गतकाली मतदान है ये घटना घटी राजनैतिक हिंसा देखा मिली गंजाम जिले में। सोनम गुप्ता पर एवं चर्चा रे राशि बेवाफा यही सोनम किए किए विषय नोट रे लिखुं प्रकाश पाइबा पूर्व हठात राशि बेवाफा है सोशल मीडिया रे ट्रेंड करुचे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर रे यूजर्स माने एने जबरदस्त रिएक्शन देखा मिली। राशि सोनम गुप्ता पर बेवाफा 20 टंकिया नोट हेउछि वायरल। ट्विटर रे फनी मेमेरो बन्या सोनम गुप्ता बेवफा एभली लिखित तो नोट निश्चित भाव आपण हाथ लगि पारे। आ जदि एभली नोट निज पाखरे न थाए तेबे आपण सोशल मीडिया रे असहित जड़ित तो मेम्स गुड़ी को निश्चय देखिथिबे। तेबे ए सोनम गुप्ता किए किए तांको विषय रे नोट लेखिछंती या प्रकाश पाइबा पूर्वरु हठात राशि बेवफा हे सोशल मीडिया रे ट्रेंड रासछि। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर रे यूजर्स माने एने जबरदस्त रिएक्शन देउथवा देखिबा को मिलिछि। ए नुवा ट्रेंड स पुनी थरे चर्चा को आछंती सोनम गुप्ता। तेबे सूचना अनुजाई जणे अजणे व्यक्ति 20 टंका नोट रे राशि बेवफा लिखिछंती जहार फोटो ट्विटर रे वायरल होईछि। समस्ते ए मजलिया मेम्स को शेयर करी एहाको ट्रेंड करछंती। सोनम गुप्तांक परे वर्तमान लोक माने ए राशिर राशि जानिबारे व्यस्त होछंती। नजर पगंतु राशि बेवफा कुने यूजर्स देथिबा प्रतिक्रिया परे
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। तो जो भाई भाव में आप देखुले ट्विटर में नुआ नुआ ट्रेंड कर लगी जहाँ कि वर्तमान ट्विटर जो मैंने यूजर्स रही भितर उत्साह देखा मिली जी। परवर्त खबर को आज ओडिशा गोवा रणजी मुकाबला अहमदाबाद मोटरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टाडियम मैच खेल उभय दल जोरदार अभ्यास कर तेरे जो पिच रे मैच होगाकू जाशा शिविर में उत्साह देखा मिली पिच बैट्समैन को सुहेला भाई होनेपटे ओडिया बैट्समैन अंशुमान आज पदार्पण कर पारती दुई वर्ष पर पुणी थे रणजी ट्रॉफी फेरी थी उभय दल विजय अभियान आरंभ करने को लक्ष्य रखिंट। समय जो बुलेटिन है वर्तमान खबर को ये रखा नमस्कार।